संग्रामपुर प्रखंड में कुल 21 किलोमीटर का मानव श्रृंखला बनाया गया था, जिसका तैयारी आज लगभग 15 दिनों से अधिक से चल रहा था, जो कि आज मिला जुलाकर सफल माना गया। इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में जीविका दीदी एवं स्कूली बच्चे नजर आए, वही नियोजित शिक्षक एवं पंचायत समिति के सदस्य और नियोजित शिक्षक कहीं नजर नहीं आए, वही आरजेडी के लोगों के द्वारा इसे पूरी तरह फोर्स बताया। मुंगेर जिला के संग्रामपुर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। आज मानव श्रृंखला का इवेंट था। ये हमारे केवाईपी रामपुर के जो स्टूडेंट है, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और प्रदर्शनी में इसको बढ़ चढ़ करके भाग लिया। केवाईपी सेंटर रामपुर के ही ये सारे बच्चे हैं, जो कि आज लगभग एक घंटा से रोड के ऊपर जल और जलवायु को लेकर के लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम किया है। हम लोग को रामपुर के वाईपी सेंटर में सरकार द्वारा निःशुल्क हम लोग को कंप्यूटर सिखाया जाता है, और इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पावर पॉइंट पे वर्क, एक्सेल पे, वर्ड पैड पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, और हमें सरकार निःशुल्क ये सिखाते हैं। अच्छा, हम लोग अभी 3 महीने क्लास कर आप सीख पाए? हम लोग 3 महीने में बहुत सारी चीज़ सीख पाए हैं, जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड पैड और बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, बिहार सरकार पे बहुत बड़ा धन्यवाद हम लोग देना चाहते हैं, क्योंकि वो हम लोग के लिए इतना सारा चीज़ कर रहे हैं निःशुल्क। नाम, परिचय? जिया सिंह। धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मतलब क्षेत्र में ये जो KYP का जो निःशुल्क दिया जा रहा है, जिस बच्चे को कंप्यूटर की, जिस बच्चे को मतलब ऐसा ऐसे जो जाता है करने के लिए उसको पैसा नहीं पूर पाता है, ऐसे सरकार दे रही है। इसमें बहुत चीज़ सीखने को मिलती है, जैसे पावर पॉइंट पे एक्सेल हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं वर्ड पैड हुआ, जैसे कोई प्रोग्राम बताइए। सबसे पहले मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती हूँ कि आज तक कोई स्टूडेंट कंप्यूटर का नाम सिर्फ सुना करते थे, आज नीतीश कुमार जी के वजह से हर गली, हर मोहल्ला, हर जगह आज सब विद्यार्थी निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा सीख रहे हैं। यानी कि
प्रतिक्रिया को अपने आराम से जल बना रहे हैं। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.